हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में और हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स में, कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ अगेन दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितने भी लोग नए हैं उनके लिए अगर आप डाउट रेज करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर के आप अपने डाउट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, दीज आर द कोर्सेज जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही हैं, आप इसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो देखिए हम लोग बेसिकली मार्च के कल्चर के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। और कल्चर के करंट अफेयर्स देखिए तो सबसे पहली करंट अफेयर्स आती है भारतीय अदिम जाति सेवक संघ। अब देखिए जब भी आपको नाम ये अदिम वगैरह नाम याद आए या कहीं पर देखने को मिले, आप समझ जाइए कि दिस इज रिलेटेड विद अ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, ट्राइब से रिलेटेड है। और ट्राइब के लिए हमेशा कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ और भी चीजें हैं, लाइक सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर बीइंग डन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से किए गए हैं, जैसे NCST ये बनाई गई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू, मतलब कि जो ट्राइबल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम किया गया है। बाकी देखिए ट्राइबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट में अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या अंतर है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, उसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट का भी प्रमोशन इन द सेंस कि इनके भी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, सिमिलरली हम लोग ट्राइबल्स के भी एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो देखिए इन दोनों के एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में इनको रखा है, ताकि इनकी जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन भी किया जाए, साथ ही साथ इनका एम्पावरमेंट और इनका प्रोटेक्शन भी किया जाए। इन सब चीजों के साथ साथ इसके अलावा कुछ लोकल कम्युनिटीज भी होती है, कह लीजिए लोकल बॉडीज भी होती हैं जो बेसिकली इनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही होती हैं। और इन प्रोटेक्शन इन इस तरीके की लोकल बॉडी में एक बॉडी आती है भारतीय अदिम जाति सेवक संघ। क्लियर हो गया भारतीय अदिम जाति सेवक संघ क्या है। देखिए भारतीय अदिम जाति सेवक संघ वर्क फॉर कम्युनिटीज प्राइमरली ट्राइबल, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड विमुक्त जाति कम्युनिटी ऑफ इंडिया एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली इनका जो प्राइम फोकस है वो है ट्राइबल पीपल को लेकर के। क्लियर। इट प्रमोट सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू सेव गार्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विद अ व्यू टू एनेबल देम टू देयर लेजिटिमेट शेयर इन द नेशनल लाइफ ऑफ द कंट्री एज इक्वल सिटीजन। तो जिस तरीके से बाकी लोग हैं उनके साथ में ही इनको राइट दिया गया है और इनको कहा गया है कि हम भी, मतलब कि ट्राइबल्स भी बाकी लोगों की तरीके से ही जी सकते हैं, उनके साथ ही एक तरीके से इंटरमिंगल कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय अदिम जाति सेवक संघ इज ऑल्सो मेंटेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल ट्राइबल म्यूजियम एग्जिबिटिंग ट्राइबल आर्टिकल्स एंड ट्राइबल कल्चर। तो देखिए ये तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ आप बॉडी के बारे में याद रखिएगा, बॉडी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा दिस इज लोकल बॉडी, ना तो स्टैट्यूटरी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना तो ये कुछ भी है, दिस इज जस्ट अ बॉडी which is basically working for the protection of the tribals। तो इस तरीके से काम कर रही होती है। अगर इसके आगे बात करें तो देखिए हमारे पूज्य ठक्कर बाबा हैं जो बेसिकली इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब इसी संघ से बिलोंग करते हैं और ये प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। किसके प्रोटेक्शन, अगेन ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो पूज्य ठक्कर बाबा एक सोशल वर्कर है जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको, मतलब कि सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था, कब एस्टैब्लिश किया था, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले है कौन, ये है टीचर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ये गुरु हैं, तो महात्मा गांधी गुरु मानते थे इनको। तो ही वॉज अ बींग क्लोज कौन, पूज्य ठक्कर बाबा बींग अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी इंस्पायर्ड हिम टू वर्क रिमूवल ऑफ डीप रूटेड पॉवर्टी ऑफ ट्राइबल वाइल गिविंग सर्विस टू अनटचेबल्स। तो इनको प्रमोट करना, मतलब कि जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने काफी कुछ जो हमारे कह लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे उनके लिए कितना कुछ काम किया गया, सिमिलरली
पूज ठक्कर बाबा, इन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए काम किया है, ठीक है, जैसे हरिजन सेवक संघ वगैरह, ये महात्मा गांधी का था। सिमिलरली पूज ठक्कर बाबा के भी ट्राइबल से रिलेटेड हमारे मूवमेंट आ जाते हैं। द नेशनल लेवल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय आदिम जाति सेवक संघ वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई दिस पूज्य ठक्कर बाबा। तो इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख करके जाइएगा। कल्चर के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते जरूर हैं जो फंसा देते हैं, तो हमेशा इनको ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा देखिए एक और करंट अफेयर्स हमारी यहाँ पर, ह्यूमन जो हमारी यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री है अलॉन्ग विद द सीनियर वुमेन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री प्लांटेड अ सैपलिंग इन मेमोरी ऑफ गौरा देवी चिपको मूवमेंट। अब देखिए गौरा देवी के बारे में आया, तो गौरा देवी तो इंपॉर्टेंट है ही, बट चिपको मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट, हालांकि चिपको मूवमेंट पे क्वेश्चन आ भी रखे हैं, बट ये कभी भी आ सकता है। देखिए चिपको मूवमेंट बेसिकली दो बार हुआ था, एक बार हुआ था जब ये 1730s के दौरान में हुआ था, और इस समय जो हमारे बिश्नोई कम्युनिटी है उन लोगों ने बिश्नोई मतलब कि 20 प्रिंसिपल, मतलब कि बिश्नोई 20+9 ये 29 प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे होते हैं, जो ये बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में पाई जाती है, और ये फॉरेस्ट को या फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट इन सबको ही अपना भगवान मानती है। तो इसलिए इन्होंने भी क्या है कि यहां पर रिवोल्ट किया था, और अल्टीमेटली अपने फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम किया था। सिमिलरली ये 1970s के दौरान में, मतलब 1973 टू बी एग्जैक्ट, चिपको मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ था, और ये उत्तराखंड में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के, कह लीजिए, नेतृत्व में अंडर गाइडेंस। तो ये क्या हुआ कि यहां पर गौरा देवी और बहुत सी महिलाओं ने पेड़ से लिपट करके खड़ी हो गई थी, और वो कहती थी कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले आप मुझे काटना पड़ेगा, एंड ऑल दैट चीजें थी। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट था चिपको मूवमेंट वो फ्रेम में आया, और अल्टीमेटली जो भी इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा था उसको एक इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल पास लेने की अब जरूरत पड़ गई थी। क्लियर हो गया क्या चीज है? गौरा देवी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए दी हुई है कि शी वॉज इलेक्टेड टू लीड महिला मंगल दल या फिर वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन इन द वेक ऑफ चिपको मूवमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद देखिए एक छोटी सी न्यूज है, जहां पर इंडियन कल्चर पोर्टल बनाया गया है। अब क्या हुआ है कि चूंकि कल्चर वाली चीज है, जनरली क्या होती है, बोरिंग ही होती है, तो इसको और ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बनाया जा सके। इसके लिए एक वर्चुअल मेमोरी बनाई जा रही है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल भी देखा होगा, गूगल मैप वगैरह देखा होगा, वहां पे आजकल 3D पिक्चर आ रहा है। 3D पिक्चर का मतलब आपको वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा, आप चारों ओर 360 व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं आसपास क्या क्या चीजें हैं। सिमिलरली ये जो कल्चर पोर्टल है, ये भी टेंजिबल और इनटेंजिबल इन दोनों ही कल्चरल हेरिटेज के अवेयरनेस के लिए नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का पार्ट बना रही है। इससे क्या होगा कि आप उसको जा करके देख सकते हैं क्या चीज है, कैसे है, और बेसिकली एक प्रमोशन और अवेयरनेस कैंपेन के जरिए ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इंडिया की कल्चरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। द ऑब्जेक्टिव इज टू शोकेस इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब विच द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है, जितना ज्यादा आप अपने कल्चर का प्रमोशन करेंगे उतना ज्यादा ही टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म हमारा क्या है, बहुत बढ़िया सेक्टर है इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एज वेल एज फॉरेन करेंसी को ले आने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है। और इस तरीके से कल्चर को अगर आप प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी जो होती है काफी अच्छी होने वाली है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, वर्चुअल क्रिएशन किया जा रहा है, एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर आप चीजों को देख सकते हैं इन 3D मैनर, और वो भी वर्चुअली थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। द पोर्टल विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए हम लोग जब हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे वहां पर हम लोग बात करेंगे जो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडिया की कौन कौन सी है, बहुत सारी है, जैसे हमारी अजंता की गुफा हो गए, अजंता की केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, भीमबेटका, तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ फेस्टिवल्स हैं। अगेन देखिए मैच द फॉलोइंग को लेकर के कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग करके आपको फेस्टिवल्स वगैरह बताने होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर रखा है, जैसे चाप चार कुट हो गया, या फिर यक्षगान हो गई, मोहनी अट्टम हो गई, तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। इस क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारी चीजें जो भी करेंट अफेयर्स में रही है। सबसे पहले देखिए चाप चार कुट फेस्टिवल ये है जो कि मिजोरम में मनाया जाता है।
ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्च के महीने में मनाया जाता है, फेस्टिव सीजन होता है, हार्वेस्ट का टाइम रहता है, तो ये सब चीजें हैं। बैकग्राउंड आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानना है कि कौन सा फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है। अच्छा ठीक है, एक और रिविजनरी नोट पे चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि मिजो कम्युनिटी आपस में एक ब्रदरहुड को अपनाने के लिए, मतलब ब्रदरहुड को शो करने के लिए ऑल वर्ल्ड, मतलब ग्लोबल एक फेस्टिवल मना रही है, उस फेस्टिवल का नाम क्या है? जिसको जिसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, कमेंट करिए, देखते हैं किसने लोगों को याद है। नहीं याद है, गो बैक टू द अर्लियर वीडियो, वापस से रिवाइज करिए एंड देन कम एंड कमेंट हियर, लेट अस सी हु इज गोइंग टू कमेंट हियर। ओके चलिए खैर, नेक्स्ट देखते हैं, घेर और फग यात्रा। देखिए ये बेसिकली क्या है, होली है, ये होली फेस्टिवल है, और होली होलकर लोगों के द्वारा जो मनाई जाती थी उसका बेसिकली फेस्टिवल है। होलकर पाए कहां जाते थे? ये थे मध्य प्रदेश, ठीक है, ग्वालियर के होलकर, और ग्वालियर मध्य प्रदेश, और बाकी होलकर के बारे में जब हम हिस्ट्री करेंगे तो हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। बेसिकली हमें पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये होलकर के बारे में पता चलेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मराठा हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, सिंधियाज हो गए, तो बहुत सारे लोग हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट दिस मराठा इन आवर हिस्ट्री सीरीज, ठीक है। चलिए खैर, तो मध्य प्रदेश इंदौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू नॉमिनेट घेर अ ट्रेडिशनल होली प्रोसेशन फॉर यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये यूनेस्को में लिस्ट हुआ नहीं है, होने वाला है, ये नॉमिनेट कर रहे हैं। द ट्रेडिशन ऑफ घेर इन इंदौर वॉज स्टार्टेड अंडर द होलकर डायनेस्टी व्हेन रॉयल वुड टेक टू स्ट्रीट टू सेलिब्रेट होली विद द जनरल पब्लिक। तो ये सब चीजें हुआ करती थी, नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट कि होलकर डायनेस्टी क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, फिर घेर और फग यात्रा क्या है, और इस तरीके की चीजें, ठीक है। इसके अलावा देखिए, केरल में एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, अतुकल पोंगल फेस्टिवल। यहां पर क्या है कि किंग के डेड हो जाने पे रानी जाती है, और वो जो भी वॉर वगैरह लड़ना होता है, वॉर लड़के वापस आती है, और उनके सम्मान में, उनके इस जो जीत करके आती है उसके इस खुशी में, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बेसिकली एक क्यूजीन बना रही होती हैं, और उसी के नाम पर ये फेस्टिवल बन जाता है, और ये कंटिन्यूअसली मनता रहता है। तो अतुकल पोंगल फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है। अगेन देखिए, कंटेक्स्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इंपॉर्टेंट इज द फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी यहाँ पर करनी होगी, आपको एक आइडिया लेना होगा कहाँ पे क्या मनाया जा रहा है। जैसे क्या है कि मोहिनीअट्टम, या फिर जो होता है गोम्बे आटा, तो ये सब जो तरीके होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, हालांकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, बट स्टिल आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज है। जैसे अट्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी केरला की हैं, केरला का वो डांस फॉर्मेट है। जैसे यक्षगान हो गया, यक्षगान जो होती है वो कर्नाटक की, कह लीजिए, डांस फॉर्मेट है। तो इट इज अ टेम्पल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराना। इसमें परफॉर्मेंस की जाती है, हेडगियर लगाया जाता है, इसके अलावा फेशियल मेकअप्स एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स होती हैं। इसके अलावा देखिए, हम लोगों ने एक बात क्या हुआ था कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, तो देखिए कार्नेटिक म्यूजिक अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमारी साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में किसी भी चीज को लेकर के कितना ज्यादा रिजिडनेस है, ठीक है, कितनी ज्यादा रिजिडनेस है, कितनी परफेक्टनेस यहां पर रखी जाती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपको डांस फॉर्मेट में भी मिल रहा होता है। मतलब यहां पर हेडगियर, इलेबोरेटेड फेशियल मास्क, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट, आपको काफी ज्यादा ये देखने को मिल जाएंगे। द परफॉर्मेंस इज बीइंग डन इन कन्नड़, ये इंपॉर्टेंट है, कन्नड़, मलयालम एंड तुलु लैंग्वेज। देखिए, हम लोगों ने तुलु लैंग्वेज के बारे में बात किया था कि सप्त भाषा संगिनी, मतलब सात भाषाओं का एक ग्रुप है, सेवन लैंग्वेजेस का एक ग्रुप है, जो कि शिलापद्दीकरम या फिर साउथ इंडिया में आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा फैला हुआ है। और इस तुलु के लिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि शेड्यूल 8 में इसको इंक्लूड करने की डिमांड हो रही है, इसको क्लासिकल लैंग्वेज देने की डिमांड हो रही है, ठीक है। बाकी यक्षगान इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट। देखिए, भक्ति मूवमेंट जब हुआ था तो वहां पर कई सारे नए नए सेक्ट निकल के आए थे। जैसे एक हुआ था जो शैवाइट्स थे, शैवाइट्स, हम लोगों ने इनफैक्ट अगेन बात किया हुआ था जब हम लोगों ने वकाटका डायनेस्टी के बारे में बात किया था, वहां पर मैंने बताया था कि शैवाइट और वैष्णवाइट इस तरह इसके से दो लोग हुए थे जो अलग अलग हमारे धर्म को फॉलो किए थे, अलग अलग इस तरीके से मूवमेंट को फॉलो किए हुए थे। इन दोनों के बारे में हम लोग हिस्ट्री में अगेन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट नाम नाम आपको याद होना चाहिए क्या चीज है। द स्टोरीज आर मेनली ड्रॉन फ्रॉम रामायण, महाभारत, भागवत गीता एंड अदर हिंदू एपिक्स। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये यक्षगान के बारे में हो जाता है। आगे बात करें अगर, तो देखिए कुछ, जैसे कोविड-19 के लिए हमारे यहाँ पूरा लॉकडाउन हो गया है,
तो देखिए वैसे ही बताया जा रहा है कि देखिए ट्राइबल्स में ये कोई नया चीज नहीं है, ट्राइबल्स हमेशा इस तरीके के लॉकडाउन वगैरह करते रहते हैं, और इस तरीके के लॉकडाउन को ही जो जो ट्राइब जो जो कम्युनिटी बनाती है उसी के बारे में आपको करंट अफेयर्स में आया हुआ है। जैसे ट्राइबल लॉकडाउन रिचुअल्स, जो ट्राइबल्स इन अरुणाचल प्रदेश है हैव रिवाइव्ड इंडिजिनस लॉकडाउन रिचुअल टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। जैसे इसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है निशी ट्राइब, या इसी को बोलते हैं बंगनी ट्राइब, इंपॉर्टेंट है दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, बंगनी ट्राइब या फिर निशी ट्राइब। इनका परफॉर्म करते हैं पोपीर डांस परफॉर्म करते हैं, देखिए सारा पुरट्टा मारना है यहाँ पर सारा, ठीक है, पोपीर डांस ये परफॉर्म करते हैं। अरुई लॉकडाउन को ही ये अरुई बोलते हैं, ठीक है, ARRUE अरुई इनको बोलते हैं लॉकडाउन। इसके अलावा देखिए कुछ अदर ट्राइब्स भी हैं, जैसे एक ट्राइब हमारी हो जाती है गालोस ट्राइब, गालोस ट्राइब ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ये मोपिन फेस्टिवल मनाते हैं और ये पोपीर डांस ये भी कर रहे होते हैं। देखिए आप पोपीर डांस कर रहे हैं, भी पोपीर डांस कर रहे होते हैं। इनका अरुई लॉकडाउन का नाम है, इनका नाम है अर्रिनाम, अर्रिनाम ये बोलते हैं अपने इस लॉकडाउन को। सिमिलरली देखिए एक और हमारी ट्राइब है जिसका नाम है अदी ट्राइब, ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश की है। यहां पर क्या है, ये जो फेस्टिवल मनाते हैं उसका नाम मोटर या पटोर फेस्टिवल बोला जाता है, सोलंग और अरान फेस्टिवल ये मनाया जाता है। इसके अलावा ये सेल्फ कस्टमरी जो इनका लॉकडाउन है उसको ये खुद से खुद से ही रोके रखते हैं, सेल्फ कस्टमरी इनकी होती है कि अपने आप को रोकते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन या फिर नॉर्मल चीजों में भी होती है। बाकी इसके बाद जैसे क्या होता है कि कई बार जैसे मिथुन वगैरह जो यहाँ के एनिमल्स हैं उनसे बचने के लिए भी ये लोग इस तरीके के लॉकडाउन सिचुएशन परफॉर्म करते रहते हैं। इसके अलावा पास्ट में एक बार वाटर क्राइसिस हुई थी जिसके कारण से भी इन लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ था। तो लॉकडाउन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कंटेक्स्ट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ट्राइब एंड व्हाट डांस और व्हाट लॉकडाउन टर्म्स आर देयर एसोसिएटेड विद दीज ट्राइब्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी कल्चर की पूरी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है हमारे मार्च मंथ की। बाकी इसके बाद बाकी जितने भी करंट अफेयर्स हैं मिलते हैं अपने आगे के वीडियोस में। हम लोग इस वीक में कोशिश यही करेंगे कि हम लोग अप टू डेट हो जाएं, मतलब मई के महीने में अगर चल रहे हैं तो मई के महीने से अपडेट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे वन ईयर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अच्छा एक दो चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या फॉलो करें, मैं कहूंगा कि देखिए आप ये केवल और केवल एक सीरीज फॉलो करते रहिए, जितनी रिसर्च करनी है वो सारा का सारा मैं खुद करता हूँ, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग मटेरियल से सब कुछ मैं रिसर्च करता हूँ, तो आपको कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं है, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, आपको टेंशन नहीं लेना है कि प्रिलिम्स कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैंने आप लोग को एक शेड्यूल दिया हुआ है, आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हुए चलिए। जो भी प्रिलिम्स की डेट होगी वो देखिए एटलीस्ट जुलाई में तो 100% जानी है, अब जुलाई के बाद या अगस्त भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। अगर आपका रिवीजन खत्म हो गया फिर से रिवीजन स्टार्ट करिए, फिर से रिवीजन स्टार्ट करिए। हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि बेटा अगर हुआ नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।